इंदौर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली महिला से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला को घर अकेले पाकर उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़िता ने राउजी बाजार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि पास में ही रहने वाले आरोपी कलीम ने उसके साथ गंदा काम किया है। पीड़िता के मुताबिक पुलिस को दिए शिकायती आवेदन में कहा कि उसके पास में रहने वाले आरोपी कलीम ने उसे घर पर अकेला पाकर उसे कमरे में ले गया और मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पति जब घर आया तो पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम पति को बताया। उसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ थाने पहुंची और आरोपी कलीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। रावजी बाजार पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जूनी इंदौर का रहने वाला है और चाय की दुकान चलाता है। फिलहाल पकड़ में आए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। जूनी इंदौर क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता अपने पति के साथ कल रात में थाने पर उपस्थित हुई और मौके रूप से रिपोर्ट की कि उसके पड़ोस में रहने वाले कलीम पिता अनिस इंसारी नामक व्यक्ति ने दिनांक 15/11/21 को उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाकर मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार किया था और किसी को बताने पर उसको जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बारे में कल दिनांक को फरियादी पीड़िता के पति को जानकारी प्राप्त हुई। दोनों ने आपस में बातचीत के बाद थाने पर उपस्थित हुए। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना रावजी बाजार पर 376/506 बादगी के तहत अपराध कर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर बंद हवालात किया गया। आरोपी को उसके घर के आसपास से ही गिरफ्तार किया गया है और चूंकि आरोपी कोई ही चाय की दुकान चलाता है। मैं उपनिरीक्षक ब्रजेश शर्मा, थाना रावजी बाजार।